हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं तो आज आपका एन एस 200 पर जो 2024 मॉडल में है तो आज हम बात करने वाले हैं इस गाड़ी पे। मतलब क्या क्या आपको नया नया अपडेट देखने 2024 में मिलने वाला, मतलब क्या नई नई अपडेट है वो आप 200 में आपको हम दिखाएंगे। नए 200 पर स्टार्टिंग करेंगे, अभी पूरा फुली ब्लैक है तो हम रेट का पहले स्टार्टिंग करेंगे। रेट का अभी बता देते हैं आपको कितना ऑन रोड पड़ने वाला है। जैसे कि हम बात करने वाले तो ऑन रोड पर तो आपको पड़ेगा 190,000 से 91,000 ऑन रोड है, मतलब अप्रॉक्स में मतलब मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग करेंगे रेट से, रेट तो खत्म हो गया, बाकी हम स्टार्टिंग करते हैं आपको मतलब क्या क्या आपको अपडेट देखने के लिए। मतलब सबसे बड़ा अपडेट देखने मिले मतलब फ्रंट में देखने मिलने वाला है आपको अपडेट, तो वही विंडशील्ड देखने को मिल जाएगा बजाज का लोगो जो अभी तक मैं 3D में नहीं दिया। बाकी वही चीज़, बाकी अगर आपको मतलब हेडलाइट का सेटअप देख सकते हैं पूरा, मतलब पूरा यहाँ DRL देखने मतलब फुली LED मतलब बल्ब देखने के लिए मिल जाता है, दोनों साइड DRL देखने के लिए मिल जाने वाला है बाइक DRL के साथ। बाकी यहाँ पे LED इंडिकेटर ऐड कर दिया गया है जो आप कंपनी वाला देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो ग्राफिक्स मिल रहा है सेम ग्राफिक्स मिल रहा, बाकी नंबर प्लेट का जो फ्रेमिंग पंचिंग जो भी आता है वही सेम मिल रहा। बाकी यहाँ पे आपको USD फॉग के साथ मिल जाता है जो देख सकते हैं, USD फॉग मिल जा रहा है इसमें। बाकी आपको अगर मतलब अलाइव्हील का अगर बात किया जाए, फिर अगर रिम का बात किया जाए तो रिम तो आपको 300mm का मतलब रिम देखने मिल जाता है, डुअल चैनल एबीएस के साथ में, डुअल डिस्क ब्रेक के साथ जो आप देख सकते हैं। बाकी टायर सेक्शन का बात किया जाए तो आपको इसमें टायर सेक्शन मतलब MRF का टायर मिलने वाला, ट्यूबलेस टायर की बात में बात किया जाए तो फिर आपको 180-17 का टायर देखने टायर सेक्शन को मिल जाता है। बाकी ये चीज़ था फ्रंट का, तो ये था मतलब यहाँ का मतलब। बाकी हम स्टार्टिंग करेंगे आपको फ्रंट से, तो फ्रंट तो खत्म हो गया, बाकी हम मीटर कंसोल का बात किया जाएगा तो आपको दिखाएंगे। सबसे बड़ा अपडेट आपको देखने के लिए यहाँ मिलने वाला है जो आपको अपर डिपर जो देखने के लिए मिल जाता है। बाकी जो पहले पासिंग में ज़्यादा जो यहाँ पे अपर डिपर मिल जाता है, बाकी यहाँ पे आपको मतलब मेन्यू का बटन देखने के लिए ऐड करने वाला मिल गया बस, मतलब यहाँ पर थोड़ा सेटअप ज़्यादा चेंज देखने को मिल जाए। बाकी इस साइड का अगर जो सेटअप का बात किया जाए तो इस साइड सेटअप में कोई चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलने वाला। बाकी मीटर कंसोल का बात किया जाए तो मीटर फुल्ली डिजिटल आपको कर देखने के लिए मिल जाएगा, मीटर कंसोल कुछ इस टाइप से देखने के लिए आपको मिल जाता है। बाकी इसमें आपको ब्लूटूथ इसमें ऐड कर दिया गया है। बाकी जो भी फुल डिजिटल मीटर हो गया, बाकी यहाँ आपको बताते हैं इसमें बारीकी से क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे मिल जाता है न्यूट्रल, यहाँ पे स्पीडोमीटर, यहाँ पे टाइमिंग मिल जाता है, इसमें साइड स्टैंड भी मिल जाता है, बाकी किलोमीटर मिल जाता है, यहाँ पे जो भी है मतलब फ्यूल का दिखा जाएगा। बाकी यहाँ पे RPM लाइट देखने के लिए मिल जाता है, बाकी यहाँ पे मतलब टाइमिंग के साथ में मतलब जो भी किलोमीटर है वो देखने के लिए मिल जाता है। बाकी इसमें आपको GPS भी आपको दे दिया गया, इसमें बहुत बड़ा अपडेट कर दिया गया जो जिसमें GPS आपको मिल गया। बाकी यहाँ पे ABS का लाइट मिल जाता है, यहाँ चेक लाइट मिल जाता है, बाकी यहाँ न्यूट्रल, बाकी यहाँ पर भी बहुत सारा सेटअप है, बाकी वो सब चीज़ हम दिखाएंगे। बाकी यहाँ पर ट्रिप टू बाकी टाइमिंग यहीं से सेट होता है। बाकी इसमें एक चीज़ और देखने के लिए मिल जाता है जो यहाँ पे चार्जिंग प्लस पॉइंट दे दिया है, ये देख सकते हैं। तो चार्जिंग के बाद ये तो था मीटर का कंसोल का बात था, जो मीटर कंसोल आपको देख लिए। अगर बात किया जाए टंकी का तो टंकी आपको फुल्ली ब्लैक देखने के लिए मिल रहा है, ब्लैक के साथ रेड ग्राफिक्स के साथ देखने मिल जाता है। जो लोगों का अगर बात किया जाए जो 200 तो वो आपको देख सकते हैं, मतलब थोड़ा प्रीमियम टाइप का कर दिया। बाकी लोगो यहाँ पे 3D लोगो देखने के लिए मिल जाता है, E20 सपोर्टेड मिल जाता है। अगर टंकी का अगर बात किया जाए कैपेसिटी का तो आपको 12 लीटर का टंकी कैपेसिटी मिल जाने वाला है। बाकी यहाँ पे ये चीज़ था, बाकी यहाँ पे दिखा सकते हैं हम आपको फुल्ली मतलब ब्लैक इंजन के साथ कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। बाकी इंजन कॉल है जो ब्लैक रेड का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल जाता है, मिलने के बाद यहाँ पर आपको बजाज का लोगो मिल जाता है। इसमें 6 गियर मतलब कैपेसिटी है, मतलब 6 गियर तक का मतलब मिल जाता है। मतलब इसमें अभी तक में जो भी बाइक अगर आता है बजाज में वो उसमें 6 गियर नहीं आता, जो NS 200 में आपको 6 गियर मिलने वाला था, जैसे गियर पोजिशन कुछ इस टाइप से। बाकी गियर का जो 6 गियर का है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, किसी भी शोरूम में देख सकते हैं आप जाके। तो ये था गियर पोजिशन का बात किया जाता है जो भी चीज़ था। तो बाकी यहाँ पर अगर बात किया जाए आपको मतलब सिंगल चैन कवर देखने को मिल जाएगा, जो सस्पेंशन है वो सस्पेंशन का सारा यहाँ बारीकी से सब चीज़ लिखा हुआ रहता है वो आप देख सकते हैं किसी भी चीज़ में, मतलब किसी भी शोरूम में जाके। तो ये था जो भी सस्पेंशन का जो था डिटेल्स, बाकी वहाँ पे देख सकते हैं। सिंगल चैन कवर के बाद आपको मतलब छोटा सा साइलेंसर देखने के लिए मिल जाएगा, बाकी देख सकते हैं आप जो पीछे सिंगल शॉकर देखने के लिए मिल जाता है, बस ये चीज़ था। तो बाकी यहाँ से अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपको जाली का थोड़ा सा ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर भी आपको थोड़ा सिल्वर रेड और ब्लैक कॉम्बिनेशन में मिल जाता है। बाकी NS 200 रेड और थोड़ा सिल्वर में देखने के लिए मिल जाएगा, जो 3D लोगों में नहीं मिलने वाला आता है जो भी यहाँ पर ये चीज़ था। बाकी आपको डबल सीट देखने के लिए मिल जाएगा, जो NS 200 में जो आता था वही डबल सीट में आपको देखने मिल जाएगा, पीछे चेंज मतलब कोई चीज़ ज़्यादा चेंज करने के लिए नहीं मिल रहा। बाकी ये चीज़ देख सकते हो जो पकड़ने वाला था सेम चीज़ आने वाला है। बाकी पीछे अगर बात किया जाए तो पीछे कोई लाइट में चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलता, अगर मिलता है पीछे चेंज देखने के लिए तो आपको दो चीज़ मिलने वाला है 2024 मॉडल में। तो ये आपको मतलब LED इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है और रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाता है, और बाकी टायर सेक्शन थोड़ा सा बड़ा कर दिया है तो जिसके कारण ये आपको थोड़ा सा बड़ा देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर टायर सेक्शन का बात किया जाए तो आपको इसमें ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, MRF का टायर मिल जाता है, 130-17 का टायर देखने के लिए मिल जाता है। अगर डिस्क का बात किया जाए तो इसमें आपको 230mm का डिस्क मिल जाता है, ये देख सकते हैं। डिस्क के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पैर रखने का जो पोजीशन है वो सेम पोजीशन मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर जो पिछला ब्रेक का जो पोजीशन था वो पिछला ब्रेक सेम चीज़ है,
बाकी यहाँ सिंगल सॉकर का सपोर्टेड है, बाकी इस साइड भी जो भी ग्राफिक्स जो था उस साइड भी सेम ग्राफिक्स इसमें भी देखने के लिए मिलने वाला है, ज़्यादा जो चेंज देखने के लिए नहीं मिला। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं रिम का जो मतलब जो चेचिस का है वो थोड़ा सा प्रिंट थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा 200 में। बाकी DTS इंजन मतलब मिल जाता है जो आपको देख सकते हैं बजाज में DTS इंजन जो आता है जो पावरफुल इंजन जो आपको KTM में जो इंजन का जो देखते हैं लुक वही आपको NS 200 में KTM वाला इंजन देखने के लिए मिल जाता है जो भी है मतलब बजाज का ही सारा मतलब उसमें जाता है KTM में, तो ये चीज़ था। तो बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब जो भी है और मतलब ओल कॉल्ड भी जो है जो सब चीज़ इसमें सपोर्टेड है। बाकी यहाँ पर भी देख सकते हैं ग्राफिक्स जो सेम ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाता है। तो यही था आपको NS 200 का पूरा रिव्यू। तो गाड़ी कैसा लगा, अगर गाड़ी अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड चैनल को किया जाए।